निजानन स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। एक लाइट है जो मुझसे कुछ कहना चाहती है। ओम शांति, ओम शांति। आज ये विशेष फिल्म के माध्यम अंतरात्मा में ये अनुभव हो रहा था कि हमारा यज्ञ क्या है और प्यारे ब्रह्मा बाप ने किस प्रकार इस यज्ञ को चलाने के लिए कितनी ना तपस्या की, कितना ना सहन किया, कितनी कठिनाइयां पार की, पर इस सभी के ऊपर एक महान शक्ति शिव परमात्मा पिता, जिसको खुदा कहें, अल्लाह कहें, शिव कहें, उसकी ही शक्ति के द्वारा जो ये यज्ञ की स्थापना प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा 1936-37 से शुरुआत हुई, और हमने तो जो दादा लेखराज उनकी पुत्री के साथ हम काफ़ी साल रहे और उनके साथ कई बातें यज्ञ की सुनी, प्यारे ब्रह्मा बाबा की सुनी, तो यह फिल्म देखकर ऐसे लग रहा था कि सचमुच में ये परमात्मा का सचमुच रचा हुआ अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। और इस यज्ञ में जो 1936-37 में जो हमारे विशेष रूप से बहनें आईं, दादियां आईं, दादाएं आए, उन्होंने जब इस ज्ञान की पहचान हुई, पहचान के साथ उन्हें कितना ना कई बातों का, कई परिस्थिति का सामना करना पड़ा, तो ऐसे लगता है कि इस फिल्म के माध्यम से आप सभी जो भी भाई बहनें इसको देखेंगे तो आप सभी को महसूस होगा कि सचमुच में इस यज्ञ की स्थापना में कितना ना भाई बहनों का सहयोग मिला, और संगठन की शक्ति के कारण यह जो परमात्मा का रचा हुआ यज्ञ जो आज इतने सालों में कहें 86 ईयर्स हो गए अभी वर्तमान समय, इस यज्ञ को आगे बढ़ाने में हमारे ब्रह्मा बाप और हमारी अन्य दादियाँ जो हमारे बाप समान थी, उन्होंने इस यज्ञ में बहुत ही अपनी जीवदान अनुभूति कराई है। सो आप सभी भी देखेंगे और देख करके भी आप सभी प्रेरणा लेंगे कि सचमुच में ये बहुत बड़ी इसके पीछे शक्ति है, परमात्मा शिव का हाथ है और वही हम सभी को चला रहा है, और उसकी प्रेरणा से ही ये बाबा का कार्य, इस यज्ञ का कार्य दिन दूनी रात चौगनी बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हम तो कहेंगे कि जो भी भाई बहनें हमारे ब्राह्मण परिवार के भी देखेंगे,
बाहर के भी देखेंगे तो उनको अनुभव होगा कि सचमुच में यह सत्यता की शक्ति है, ये सत्यता का ज्ञान है और ये परमात्मा का दिया हुआ सत्य परिचय की और जिसमें प्यारे ब्रह्मा बाबा की विशेष जीवन कहानी कि कैसे उन्होंने आदि में किस प्रकार सब कुछ सहन करते हुए इस महायज्ञ को आगे बढ़ाया है, यह देख करके भी आप सभी को भी बहुत कुछ प्रेरणा मिलेगी और आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमारा तो यही श्रेष्ठ संकल्प है कि ऐसा कहीं फिल्म देखें और देख करके भी आप सभी को अनुभव होगा कि हम सचमुच में कहाँ पर पहुँच गए हैं और कौन से स्थान पर आए हैं। तो हम यह कहेंगे कि यह फिल्म द लाइट आप सभी बड़े प्यार से देखेंगे और सचमुच में अनुभव करेंगे इस फिल्म के माध्यम से कि परमात्मा की शक्ति क्या है और उस शक्ति को शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा में वो शक्ति भरी और उस शक्ति के द्वारा अन्य शक्तियों को, हमारी दादियों को, हमारे दादाओं को, हमारे ब्राह्मण परिवार को, विश्व की आत्मा को ये विशेष फिल्म द लाइट बहुत ही जन जन को, बहुत ही अपने मन को प्रभावित करेगी। इसलिए हरेक, हम तो कहेंगे हरेक घर के लोग, जिस प्रकार मेरे को याद आता है कि 40 साल पहले रामायण चली थी तो उस समय इतनी टीवी नहीं होती थी और बड़े प्यार से उस टीवी में सभी रामायण को देखते थे, चाहे बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो, हर एक घर का सदस्य बैठ करके देखते थे। तो हम तो यही कहेंगे कि ये बाबा की द लाइट हर घर घर में, हर देश में और विश्व में चारों तरफ बाबा का नाम बाला करने के लिए, प्रकाश फैलाने के लिए ये विशेष द लाइट फिल्म बनी है जो सारे विश्व को रोशनी पहुंचाने का एक कार्य करेगी। ऐसी मेरी शुभ भावना है, शुभ कामना है। इन्हीं बातों के साथ में आप सभी को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये परीक्षा की घड़ी है, आप हिम्मत का कदम बढ़ाओ, बाकी उस पर छोड़ दो। सभी मनुष्य आत्माएं परमात्मा की संतान हैं, इस नाते से सभी एक ही परिवार के हुए। पता करो उस आश्रम के अंदर होता क्या है। आपकी बेटी तो साक्षात सरस्वती है राधे।